हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स आईएएस। एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जो था पहले उसको स्क्रैप कर दिया है। एंड जो सेकेंड है ये है ई रूपी डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यही कि जो अभी लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है ना, जो ये बिल है इसके अंदर क्या है, जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था हमने 2012 में, 2012 में उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसमें पहले ये केस था कि 2007 में एक वोडाफोन और एक कंपनी थी केमन आइलैंड्स में, उन लोगों का आपस में मतलब एग्रीमेंट हुआ था, टेक ओवर कर लिया था सीजीपी करके ऐसे कुछ कंपनी थी। एंड उसी का मतलब एक और सब्सिडरी कंपनी थी इंडिया में हैचिसन। तो जो वोडाफोन और जो सीजीपी थी उनका इनडायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ था, मतलब जो वोडाफोन थी उसने बाय किया था सीजीपी को। और ये जो ट्रांजेक्शन हुई थी ये ऑफशोर ट्रांजेक्शन थी, मतलब इंडिया से बाहर थी है ना, बट हमारा इसमें टैक्स लॉस हुआ था उस टाइम पे। तो 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस हुआ है आप पे करें टैक्स, मतलब कुछ अमाउंट था, मतलब काफ़ी अमाउंट था। तो वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में चलेगी कि हम नहीं पे करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, हमने तो मतलब इंडिया में हमारा कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, हमारा तो ट्रांजेक्शन बाहर हुआ है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दिया था, क्योंकि 2012 में ऐसा कोई हमारे पास मतलब लॉ था नहीं हमारे, है ना, इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो लेजिस्लेचर है उसमें कोई लॉ ऐसा पास किया हुआ नहीं था कि हम टैक्स कर सकें उनको, है ना। तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसके ऊपर हमारा कोई लॉ ऐसा बनता नहीं था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि 2012 में फिर जो उस टाइम पे फिनेंस बिल हमारा आया था तो उसमें चेंजेस किए गए, और 1961 का जो टैक्स लॉ है हमारा उसमें चेंज कर दिया गया। और उसके अकॉर्डिंग यही कि जो हमने बैक साइड 2012 से पहले जो भी इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुआ है इंडिया में, कोई किसी किसी कंपनी का शेयर है इंडिया में, मतलब कोई कंपनी है और उन लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है इंडिया से बाहर, इनडायरेक्ट कोई भी एग्रीमेंट किया है, कोई भी मर्जर या एक्विजिशन हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, है ना। ये हम लेकर आए कि अगर कोई ऐसा केस 2012 से पहले भी ऐसा कोई इनडायरेक्ट टैक्स हुआ है तो उन्हें भी पे करना पड़ेगा, मतलब 1961 से लेके मतलब 2012 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन इस टाइप का कुछ हुआ है। तो ये हमने रिट्रोस्पेक्टिवली लागू कर दिया, 2012 से पहले जो भी हुआ है उन पर भी लागू कर दिया, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके हमने लागू कर दिया। तो 2012 में हमने टैक्स लगा दिया, इस वजह से कई सारी कंपनीज पे फिर मतलब ऐसे केसेस चलने स्टार्ट हो गए। अप्रोक्सीमेटली 17 ऐसे केसेस थे, उसमें वोडाफोन थी, केरन एनर्जी थी, इन लोगों का था कि आप है ना रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते, क्योंकि उस टाइम पे मतलब हम लोगों ने कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कर रखे थे। जैसे ये जो केरन एनर्जी थी ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले गई थी कि इंडिया और यूके का बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, BIT थी। एंड वोडाफोन ने भी ऐसे ही मतलब ये लोग भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें चले गए, है ना, कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, कि जो पहले अपना अपने पास लॉस था नहीं और अब आप लेकर आए हैं और उसको मतलब हम पे इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देखकर हमने इन्वेस्ट किया था, अगर ऐसा होता तो शायद हम नहीं करते, मतलब ये इनका जो भी आर्ग्यूमेंट रहा हो या जो भी था, मतलब इनका मतलब यही था। एंड फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में दिया था 2012 में, तो उसके टाइम से ये कंटिन्यू चलते आ रहा था बहुत, और हमारी कॉस्ट लग रही थी गवर्नमेंट की भी, क्योंकि ये भी लीगल मतलब बैटल चल रही थी जो इंटरनेशनल कोर्ट्स थे उन सब में, है ना, और जो लीगल कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है वो सब था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इनका पैसा वगैरह था वो भी हेल्ड कर लिया था। तो इस वजह से इन लोगों का अभी क्या हुआ, रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही फ्रांस में हमारे कुछ एसेट थे, इंडियन गवर्नमेंट के एसेट थे, जो केरन इंडिया को दे दिए इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन कोर्ट था उन्होंने ऐसा कुछ, तो क्योंकि हमने भी इनके होल्ड कर रखे थे इस टाइप से। तो ये ख़त्म नहीं हो रही थी कहानी, तो गवर्नमेंट को एंड में यही लगा कि अब हमारे पास कोई है नहीं, इन्वेस्टमेंट भी हमारा जो होता है कि कंपनी हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें तो उनका भी अनसर्टेन हो जाता है ना, कि ये लोग तो कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं इस टाइप का। तो हमें लगा कि चलो इसको तो हटा देना ही, स्क्रैप कर देंगे तो ही ठीक है, है ना, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, लॉस ही हो रहा था। तो अभी जो क्या हुआ, अभी जो ये टैक्स था उसको हमने स्क्रैप कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है, टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसके अंदर यही होगा कि हम नलीफाई कर देंगे जो भी टैक्स क्लोज है इसमें 2012 में जो रेट्रोस्पेक्टिव हमने लगाया था, है ना। तो इसमें जो वोडाफोन हो चाहे ये कुछ भी हो, हमने प्रपोज कर दिया है कि जो भी लीगल केसेस हैं वो सब मतलब विड्रॉ कर लिए जाएंगे, और हम जिन हमने जो भी हमारे पास पैसा उनका प्रिंसिपल हो वो हम रिटर्न कर देंगे। हाँ, हम रिटर्न प्रिंसिपल रिटर्न कर देंगे, और इंटरेस्ट या और दूसरा जो भी खर्चा होगा वो मतलब सेटल डाउन कर देंगे, वो हम पे नहीं करेंगे, बट हम मतलब ये केस सेटल डाउन हो जाएगा ऑलमोस्ट,
एंड अभी ये तो पता नहीं कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो एग्री होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे बोल दिया है कि हाँ भैया जैसे जैसे भी हो सेटल डाउन हो जाए, हम इस जो ये टैक्स लॉज है इतने दिन से मतलब सेटल डाउन नहीं हो रहा, मतलब कुछ वो निकल ही नहीं रहा है ना, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ठीक है। क्योंकि इंडिया की भी जो अट्रैक्टिवनेस डेस्टिनेशन की इमेज होती है वो भी हैम्पर होती है, डैमेज होती है, और ये लगता है कि टैक्स सर्टेनिटी भी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा फिर अफेक्ट होता है ना इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो अब अगर हमने ये सही किया है ना, टैक्स लो अगर हम स्क्रैप कर देंगे पुराने वाला जो था, तो इससे यही होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और सर्टेनिटी भी रहेगी, है ना, जो हमारा जो टारगेट होता है कि अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन बनाना है इंडिया को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये सब हो, है ना, तो इन स्टेबिलिटी के लिए सही रहेगा। तो ये पहला अपना केस था, हो गया है। जो सेकंड क्वेश्चन जो अपनी है, ये सेकंड न्यूज़ है, ये है ई रूपी से। तो ये ई रूपी है डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम है जो अभी लॉन्च किया है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भीम ऐप पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे कई बार ऐप वगैरह पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड तो ई रूपी ये क्या है, ये कॉन्टैक्टलेस है, प्रीपेड है, स्पेसिफिक पर्सन एंड टारगेटेड सर्विस को ही मतलब टारगेट करता है, मतलब एक पर्सन को ही टारगेट करेगा, जैसे मतलब एक जिस पर्सन को दिया है उसी को यूज़ करना है ना, और जिस सर्विस के लिए है उसी सर्विस में भी यूज़ होगा। एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड कैश्ड आउट, है ना, तो ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया भाई आप यूज़ कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। जिसको पर्सन को मिला है उसी को, और जिस सर्विस के लिए मिला है उसी के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकता, कैश आउट भी नहीं हो सकता कि जो अमाउंट आई है उसको हम कैश में विड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं होगा। उसी मतलब वही जो ट्रांजेक्शन है, मतलब जो वाउचर टाइप आया तो उसी तरह यूज़ होगा। कोई कार्ड की जरूरत नहीं है इसमें, किसी ऐप की जरूरत नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये क्यूआर कोड के थ्रू या एसएमएस के थ्रू मतलब आप इसको कर सकते हैं ना, एसएमएस के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा क्यूआर कोड के थ्रू, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, कार्ड की जरूरत नहीं है, ऐप की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। ये लीक प्रूफ होगा, ट्रांसफरेबल तो है नहीं, तो लीक प्रूफ अपने आप हो जाएगा, कोई ट्रांसफर तो कर नहीं सकता। एंड इसमें कोई बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, और ये जिस सर्विस के लिए आया उसके लिए वन टाइम यूज़ होता है इसका। एंड इसको प्रिंट आउट वगैरह की भी जरूरत नहीं है कि प्रिंट आउट लेना है, ये सब कुछ नहीं है। एंड इसको यूज़ कौन करेगा, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट करेगी, और कॉरपोरेट जो एंटिटी है वही इसको इशू कर सकते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इसको इशू कर देगा, ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन नहीं होता, गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कॉरपोरेट एंटिटीज़ वगैरह हैं वो कर सकती हैं, है ना। और इसको डेवलप किया है अभी अभी प्रेजेंटली इसको डेवलप किया है NPCI प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो जो हेल्थ वाले और ये सब मतलब इंक्लूड हैं, क्योंकि अभी इसको कोविड में मतलब इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है कि कोविड में अभी इसको ट्राई किया जाए, है ना, तो NPCI तो है ही, जो UPI प्लेटफॉर्म है NPCI का, तो वो मतलब वो हैंडल करेगा इसको। और ये इसमें क्या होता है, फिर NPCI एक साइड, और फिर जिस पर्सन को हमने भेजा जाएगा वो पर्सन, एंड उनका हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो जाएगा। तो जिसको जैसे कोई सर्विस लेनी है हॉस्पिटल में, कोई कुछ इलाज करवाना है अपना, तो जिस पर्सन के पास बेनिफिट, जैसे गवर्नमेंट को अपना सोशल सर्विस के लिए बेनिफिट देना है, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, तो उसके पास वो SMS आएगा, वो अपना लेके जाएगा हॉस्पिटल में, जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएगा उसमें, और वही स्पेसिफिक पर्सन मतलब वही यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको लेकर कुछ खरीदने चले गए, कुछ सामान खरीदने चले गए, मतलब नहीं, वो उसी सर्विस के लिए यूज़ होगा, हॉस्पिटल में आया है उसी हॉस्पिटल में, और उसी सर्विस के लिए, उसी इलाज के लिए, है ना। और क्योंकि मतलब वो जो स्ट्रिंग होती है वो मैसेज होता है, एक हॉस्पिटल के पास जाता है, एक पर्सन के पास जाता है, एंड एक NPCI के पास रहता है, तो वो लिंक ऐसे ही मतलब क्लिक होगा, तीनों के पास होगा ना ऐसे। तो यही था इसमें कि ये मतलब कॉन्टैक्टलेस है, प्रीपेड है, और मतलब स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक सर्विस है, सर्विस टारगेटेड है, लीक प्रूफ है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बैंक वगैरह की ऐप की किसी की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, QR कोड और SMS स्पेसिफिक है, एक तरह से डेवलप किया है NPCI ने अभी, एंड UPI जो प्लेटफॉर्म है NPCI का, ई रूपी डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम, एक तरह से वाउचर है ये, है ना। ओके, तो आज दो ही न्यूज़ थी अपनी, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैंने ये चैनल का नेम है ये भी चेंज कर दिया है ना अपना, UPSC IELTS IAS, आई थिंक दिस वन इज़ बेटर। ओके, एंड थैंक यू सो मच।